सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। और अब चलिए बात करते हैं पढ़ाई की। तो हम पढ़ रहे थे पद्य खंड में, आपके पद्य खंड में पाठ 3 रसखान के सवैये। और इसमें हमने 2 पद पढ़ लिए थे, रसखान के संबंध में जो सामान्य परिचय था वो भी पढ़ लिया था। और आज हम अगले 2 पद और पढ़ेंगे। कुल मिलाकर इसमें 4 सवैये हैं, 4 में से 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा हमें आज पढ़ना है। लेकिन इससे पहले जो हमने पिछली कक्षा में 2 सवैये पढ़ लिए थे उसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम सवैया देख लीजिए कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारल। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मिछारन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य रूप में जन्म मिले तो मैं फिर से उसी ब्रज के गोकुल गांव का ग्वाला बनकर वहां घूमना चाहता हूँ। और यदि मुझे पशु रूप में जन्म मिले तो मैं नित्य ही नंद बाबा की धेनुओं के मध्य अर्थात गायों के मध्य विचरण करना चाहता हूँ, चरना चाहता हूँ। और यदि पाहन अर्थात पत्थर के रूप में मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में इंद्र का मान मर्दन करने के लिए धारण किया था। और यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो उसे यमुना नदी के कदम की डाल पर बसेरा करूं जहां बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो ये आपको समझ में आ गया है। फिर देखिए दूसरा सवैया भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, अर्धम सिद्धि नमो निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो। रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के पन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत की धाम करील के कुंजन ऊपर वा। यहाँ पर क्या बताया है रसखान ने, सर्वस्व समर्पण की भावना और एकनिष्ठ भक्ति इनकी यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त हुई है। और इसलिए ये कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं उस पर तीनों लोगों के राज के सुख को त्याग सकता हूँ और 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी नंद बाबा की गाय को चराने में भुला सकता हूँ। रसखान कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वो वन बाग और तालाब निहारना चाहता हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर लीलाएं की हैं। और कौटिक एकल धोत के धाम, मैं करोड़ों सोने और चांदी के महल भी कांटेदार करील की झाड़ियों के बागों के ऊपर निहार देना चाहता हूँ अर्थात न्योछावर कर देना चाहता हूँ, वार देना चाहता हूँ अर्थात न्योछावर कर देना चाहता हूँ। इस प्रकार से कवि रसखान ने इन दोनों ही सवैयों में अपनी अनन्य भक्ति निष्ठा को, समर्पण भाव को व्यक्त किया है। और वे प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए वे कोई भी जन्म लेना चाहते हैं और हर जन्म में वे श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे सवैये की। और ये जो तीसरा सवैया है, ठीक है, तीसरा जो छंद है उसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियां पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं, आसक्त हो गई हैं। और वे इतनी आसक्त हो गई है उनके सौंदर्य पर, इतनी मुक्त हो गई हैं कि वे स्वयं उन्हीं का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल करे पहरिंगो पहरोंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लपटी बन गोधन वारन संग फिरूंगी।
भागतो गोहि मेरु रसखानि सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखिए यहाँ पर गोपियां जो है वो श्री कृष्ण के रूप लावण्य के प्रति आकृष्ट हो गई हैं और इसी कारण से उस रूप पर मुग्ध होकर वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। इसलिए एक सखी कहती है कि मतलब एक गोपी कहती है कि मैं भी श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य मुझे इतना प्रिय है कि मैं क्या करूंगी, श्री कृष्ण के समान ही अपने सिर पर भी मोर पंख को धारण कर लूंगी। श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं तो गोपी कहती है कि मैं भी मोर पंखों वाले मुकुट को धारण कर लूंगी। गुंज की माल करे पहरूंगी और गुंजों की माला गुंजा नामक फूलों की माला को मैं अपने गले में धारण कर लूंगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण गुंजा माला को अपने हृदय पर धारण करके रखते हैं, ओढ़ पीतांबर ले लपटी और क्या करूंगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण लकड़ी लेकर के पीतांबर धारण करके अर्थात पीले वस्त्र धारण करके वन में ग्वाल बालों के साथ में गाय चराने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में लकड़ी लेकर ग्वालों के साथ में, ठीक है, जिस प्रकार से ग्वाल बालों के साथ जाते हैं उसी प्रकार से मैं भी ग्वालों के साथ में वन में गोधन के साथ अर्थात गायों के साथ फिरूंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपी कहती है कि हे कृष्ण मुझे तुम्हारा जो रूप अच्छा लगता है, भावतो वो ही रसखान कहते हैं कि गोपी को श्री कृष्ण का वही रूप अच्छा लगता है आकृष्ट करता है, इसलिए वह कहती है कि हे कृष्ण भावतो वो ही अर्थात तुम्हें जो रूप पसंद है तुम्हें जो रूप अच्छा लगता है मैं तुम्हारे ही कहने पर सो तेरे कहे अर्थात तुम्हारे ही कहने पर वो सारे स्वांग धरूंगी अर्थात वो सारा वेश धारण करूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है, या मुरली अधरान धरी कि तुम जो कहोगे तुम्हें जो रूप अच्छा लगता है मैं वही रूप धारण करूंगी तुम्हारे कहने से, मैं वो सब करूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है परंतु क्या नहीं करेगी, या मुरली मुरली धरान या मुरली मुरली धर की। देखिए मुरली अर्थात बांसुरी और मुरलीधर अर्थात बांसुरी को धारण करने वाले कौन, कृष्ण। मुरलीधर कौन सा समास है, यहाँ पर बहुव्रीही समास है, मुरली को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर गोपी कहती है कि मैं उस मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को अधरान अर्थात अपने होठों पर, अधर अधर का अर्थ क्या होता है, अधर कहते हैं इस नीचे वाले होठ को। तो गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखूंगी जिसे अधरान धरी अधरा न धरूंगी, श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली को मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। गोपी कहती है कि श्री कृष्ण को जो रूप अच्छा लगता है मैं उसके कहे अनुसार सारा वैसा ही रूप धारण करूंगी, परंतु मैं मुरलीधर की मुरली को उस मुरली को जिसे वे स्वयं अपने होठों पर धारण करते हैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। इस प्रकार से गोपी यहाँ पर क्या कह रही है कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य उन्हें आकर्षित करता है और इसलिए वह श्री कृष्ण के कहे अनुसार उन्हीं के समान सिर पर मोर पंख धारण कर लेगी, गले में गुंजा की माला पहन लेगी, उन्हीं के समान पीले वस्त्र धारण करके लकुटी हाथ में लेकर अर्थात लकड़ी हाथ में लेकर वन में गाय चराने के लिए ग्वाल बाल संग चली जाएगी और श्री कृष्ण को जो रूप अच्छा लगता है वह उसे धारण कर लेगी, परंतु उस मुरलीधर की उस मुरली को जिसे उन्होंने अपने होठों पर धारण किया है वह अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं, है ना, देखिए एक पंक्ति है
अधरान धरी, अधरान धरी। अधरा न धरूंगी, तो देखिए इसमें गोपी क्या कह रही है और कौन से अलंकार का इसमें चमत्कार है वो भी आप देख लीजिए कि अधरान धरी, अधरान न धरूंगी। एक शब्द तो देखिए ये है ना, और एक शब्द ये है, यहाँ भी पूरा शब्द जो है वो कौन सा है, अधरान, और इधर भी है अधरान। परंतु देखिए इसका जिस प्रकार से प्रयोग किया गया, एक ही शब्द का दो प्रकार से प्रयोग किया गया, दो बार प्रयोग किया गया, अर्थात जहां पर एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है वहां पर यमक अलंकार होता है। यहां पर भी देख लीजिए, दो बार आवृत्ति तो होती है परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। बड़ा था ना कनक कनक ते सो बुनी, है ना। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर एक शब्द आया अधरान और इसी शब्द की यहां पर पुनरावृत्ति हुई है अधरान, है ना। यहां पर इस अधरान का क्या अर्थ है, होठों पर धरी हुई या धारण की हुई, अधरान धरी, अधरान धरी, ठीक है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, होठों पर धारण की हुई। और यहां पर देखिए अधरा और ना, इसके टुकड़े कर दिए, इसको अलग कर दिया, अब इसका अर्थ क्या हो गया, होठों पर नहीं धरूंगी, होठों पर नहीं, होठों पर धारण नहीं करूंगी। सिर्फ इस एक अक्षर का फर्क पड़ने से ही इसमें इतना फर्क आ गया है, ठीक है। आगे समझ लें, यहाँ पर अधरान धरी, अधरान धराऊंगी कि श्री कृष्ण के होठों पर धारण की हुई मुरली को, अधरों पर धारण की हुई मुरली को अधरान धरूंगी, मैं अपने अधरों पर नहीं धारण करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है श्री कृष्ण के अधरों की, यहाँ हो रही है मुरली, यहाँ पर बात हो रही है गोपी के अधरों की, ठीक है। ये अलग अलग है यहाँ पर। और ये बार बार पढ़ाते समय मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि पढ़ते पढ़ते भी आपको ये याद रहे। तो ये आपको आगे समझ में रिवाइज भी करवा दी मैंने इसको आपको। फिर देखिए नेक्स्ट 102 पेज नंबर 102, चौथा छंद हमारा, कान नी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली दुनी मंद बजई है, मोहनी तानन सूरस खानी, अटा चढ़ी बोधन गई है तो गई है, तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझिए, मायरी वाक की मुस्कान, संहारी न जइहिं न जइहिं न जइहिं। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें श्री कृष्ण की मुरली का जो एक अचूक प्रभाव है जिससे गोपी जो है वो वश, उस मुरली की धुन के वश में हो जाती है और उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। और श्री कृष्ण की मुरली की धुन और श्री कृष्ण की जो अचूक मुस्कान है उसका जो प्रभाव है और उसके कारण से जो गोपियों की विवशता है या गोपियां उनके वश में हो जाती है, इसका यहाँ चित्रण किया गया है। तो गोपी क्या कहती है, गोपी कहती है काननी दे अंगुरी रहिबो, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजेगी, कि जब श्री कृष्ण मुरली को मंद और मधुर स्वर में बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर अंगुली धर लूंगी, कि मैं अपने कानों में अंगुली धर लूंगी, अर्थात उस धुन को मैं नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है, कि जब मोहन अपनी रसखान कहते हैं कि जब मोहन अर्थात श्री कृष्ण मुरली की मधुर तान बजाएंगे तो मैं तो
तो अटारी पर चढ़ जाऊंगी, अर्थात ऊपर जो अटारी होती है ना, तो गोपी कहती है कि मैं उस अटारी पर चढ़ जाऊंगी जब मोहन मधुर मुरली की तान सुनाने लगेंगे, बजाने लगेंगे, और फिर चाहे ये सारा गोधन सारी गायें कहीं जाती हैं तो चली जाए, गई हैं तो गई हैं, कहीं ये गायें चली जाए। और इसका देखिए दूसरा अर्थ ये भी है कि जब मोहन मुरली की मधुर तान सुनाएंगे तो उस समय मैं क्या करूंगी, उस समय अटा चढ़ी मैं भी अटारी पर चढ़कर क्या करूंगी, गोधन, उस समय गोधन मैं भी अटारी पर चढ़कर। गोधन क्या होता है, देखिए गोधन ब्रज क्षेत्र में होली के समय गाया जाने वाला एक विशेष गीत है, ठीक है, जिसे गोधन कहते हैं वहां के लोग। तो गोपी कहती है कि जब मोहन अपनी मुरली से मधुर तान सुनाएंगे उस समय मैं भी अटारी पर चढ़ जाऊंगी और मैं भी होली का वह मधुर गीत अर्थात गोधन गाने लग जाऊंगी। तेरी कहूं से गरीब ब्रज लोगनी, फिर चाहे मुझे तेरी कहूं, तेरी अर्थात पुकार करके, ठीक है, फिर चाहे ब्रज के ब्रज लोगनी, फिर चाहे ब्रज के सिगरे अर्थात सभी ब्रज के लोग, फिर चाहे मुझे कितना भी पुकार पुकार कर कहें, कल ही मैंने सबको कितना समझाया था, माई ने वा मुख की मुस्कानी की है माई, उस मुख की, मुख कौन सा, श्री कृष्ण का, ठीक है, तो किसके मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान की है माई, हे माँ उस मुख की, यहाँ पर माई शब्द जो है वो सखी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग सखी के लिए कर सकते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सखी उस मुख की, मैंने कल भी समझाया था कि फिर चाहे लोग मुझे कितना भी समझाए, हे माँ या हे सखी उस मुख की जो मुस्कान है वह मुझसे संभाले नहीं संभलती है, देखिए पुनरुक्ति प्रकार संकर यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, कैसे कि न जाइए, तो यहाँ पर एक ही शब्द को चमत्कार उत्पन्न करने के लिए और इस बात के प्रभाव को बताने के लिए, बल देने के लिए इस बात पर कि गोपी क्या कह रही है कि है सखी मुझसे श्री कृष्ण के मुख की वह अचूक मुस्कान संभाले नहीं संभल रही है, और उस मेरा जो हृदय है वह उस मुख की मुस्कान के वशीभूत हो गया है, उसके वश में हो गया है, तो इसलिए जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगलियां डाल दूंगी और वो जो मोहन जब अपनी मधुर तान में गोधन सुनाएंगे, ठीक है, मोहनी तानन सो रसखानी, रसखान कहते हैं कि उनकी मोहनी तान सुन करके मैं भी क्या करूंगी, अटारी पर चढ़कर गोधन गाने लग जाऊंगी और कल ही और सभी लोग फिर चाहे मुझे कितना भी पुकार पुकार कर कहें और कल कितना भी पुकार पुकार कर कहें, परंतु मैंने कल इतना ही इनको समझाया था कि हे सखी श्री कृष्ण की वो जो मधुर मुस्कान है उस मुस्कान के कारण मैं वशीभूत हो गई हूँ, उनकी उस मुस्कान के वश में हो गई हूँ, इसलिए उनकी ये मुस्कान मुझसे संभाले नहीं संभल रही है। तो इस प्रकार गोपी जो है, गोपी पर श्री कृष्ण की मुस्कान का और श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि का, मधुर धुन का जो प्रभाव पड़ा है उसके फलस्वरूप सारी गोपियां कहती हैं कि ये चाहे ब्रज के लोग कितने भी हमको समझाएं, लेकिन मैं इन्हें पुकार पुकार कर कहती हूँ कि श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वह अचूक है और वह हमसे संभाले नहीं संभल रही है और इसलिए हम उनके वश में हो गए हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये इनके छंद हैं जिसमें एक तरफ तो जो रसखान है वो एक तरफ तो रसखान यहाँ पर अपनी जो अनन्य भक्ति निष्ठा है या फिर श्री कृष्ण भूमि, कृष्ण के साथ साथ कृष्ण भूमि के प्रति उनका जो समर्पण भाव है, उनका जो प्रेम है वह अभिव्यक्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रसखान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को गोपियों के माध्यम
माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गोपियों को श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इतना अच्छा लग गया, इतना भाग गया है कि वे उन्हीं का रूप धारण कर लेना चाहती है, परंतु उनकी उस मुरली को अपने अधरों पर धारण करना नहीं चाहती, क्योंकि वे उसे अपनी स्वतंत्र के समान समझती है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनको उन गोपियों तक की सुध नहीं रहती है, इसलिए वे उसे अपने अधरों पर या अपने होठों पर रखने के लिए मना कर देती है। और अंत में जो हमने छंद पढ़ा है तो उस छंद में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान और उनकी जो मधुर मुरली है उसकी मंद और मधुर ध्वनि उन्हें अपने वश में कर लेती है और फिर वह मुस्कान उनसे संभाले नहीं संभालती है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ जो है ये तो यहीं पर समाप्त होता है, भाव इसका आपको समझा दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रश्नोत्तर की, तो इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो देखिए ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। फिर ये पेज नंबर जो 101 है इस पर जो पहला ही छंद है इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे और यही पहले प्रश्न का उत्तर है। क्या लिखेंगे आप? चार पॉइंट बनाकर के लिख सकते हैं कि मनुष्य रूप कवि मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाला बनकर वहां घूमना चाहता है। ठीक है, और पशु रूप में जन्म लेकर के वह नंद बाबा के धेमों के मध्य चरना चाहता है। वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण करके ब्रजवासी की रक्षा की थी। और चौथा पॉइंट जो है, वह पक्षी बनकर उसी यमुना नदी के कदम के पेड़ की डाली पर बसेरा करना चाहता है जहां बैठकर श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाया करते थे। तो इस प्रकार से ये चार पॉइंट हो जाएंगे जिससे कि हमें पता चलता है कि रसखान ने इन रूपों में कृष्ण भूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो अब आप मेरे ख्याल से लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर देखिए कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो देखिए इसमें क्या है कि जहां पर श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर लीलाएं की थी, ठीक है, ब्रज के गांव में वन में तालाब में जहां पर कृष्ण ने अपनी सुंदर लीलाएं की थी और इन लीलाओं से सभी ब्रजवासियों के मन को मोह लिया था, तो इसी कारण से श्री इन सभी स्थानों पर जाकर के कृष्ण का सामीप्य कवि पाना चाहता है और इसीलिए एक बार फिर से वह उन्हें निहारना चाहता है। ठीक है, पूछा है ना कि वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो एक ही कारण है कि ब्रज के वन बाग और तालाबों में श्री कृष्ण ने सुंदर लीलाएं की थी और कवि भी इसी कारण से श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए एक बार फिर से उन्हीं ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारना चाहता है। फिर देखिए एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? तो एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है क्योंकि कवि अपनी कृष्ण के प्रति कवि की जो अनन्य भक्ति भावना है, समर्पण भाव जो है, वह इसके माध्यम से कवि व्यक्त करना चाहता है और साथ ही कवि जो है श्री कृष्ण की स्पर्श की हुई वस्तु को कम नहीं समझता है और उसे लगता है कि केवल उन्हें पा लेने मात्र से ही
उसे वह सब कुछ मिल जाएगा तो अन्य कुछ भी उस अन्य किसी वस्तु की उसे कोई कामना नहीं रह जाएगी। इसलिए इन सब के पीछे वह लकुटी और कमरिया के पीछे सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। मतलब कि श्री कृष्ण के लकड़ी और कंबल का स्पर्श पाकर ही कभी अपनी समर्पण भावना को व्यक्त कर देना चाहता है, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को ग्रहण कर लेना चाहता है। इसलिए वह उनको पाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। फिर देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी ने गोपी से कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था कि जिसके कृष्ण के ही समान सिर पर मोर मुकुट धारण करने, गले में गुंज की माला, गुंजा फूलों की माला धारण करने और पीतांबर वस्त्र धारण करके लकड़ी लेकर गोधन जाने का, गोधन लेकर के ग्वाल बाल संग वन में घूमने का आग्रह किया था। ठीक है, तो जो तीसरा आपका छंद है उसकी जो दोनों लाइन है, उन दोनों लाइनों में ही इसका उत्तर है। तो ये भी आप कर लेंगे। कैसा रूप धारण करने के लिए कहा था कि जिसके सिर पर कृष्ण के ही समान मोर मुकुट हो, गुंजा की माला गले में हो और पीतांबर ओढ़कर लकुटी लेकर जो वन में अपनी गैया लेकर या गोधन लेकर ग्वाल बाल के संग घूमता है। फिर देखिए, आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहता है? तो देखिए, कवि को लगता है, क्या विचार है कि वो कवि जो है पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहता है? तो देखिए, कवि को लगता है कि ऐसा करने पर भी वह कृष्ण के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को और अपने प्रेमा भक्ति को व्यक्त कर सकता है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि इस रूप में भी वह कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? तो देखिए, पाठ परिचय में भी इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव, ठीक है, उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव के कारण गोपियां अपने को विवश पाती हैं। तो ये 1 से लेकर 6 तक प्रश्नोत्तर हैं जो आपको स्वयं करने हैं। एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, इसलिए आप ये गृह कार्य के रूप में 1 से 6 तक प्रश्नोत्तर पूर्ण करेंगे। और आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। शेष बचे प्रश्नोत्तर हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।